आलोक द्विवेदी, आप ये बताएं कि एक तरफ बीजेपी का मिशन 80 है, जो पिछली दफा सीटें हार गए थे उसको लेके माइक्रो मैनेजमेंट संगठन, सरकार और संघ तीनों पूरी तरीके से यहाँ पे जुटे हुए हैं, क्या विपक्ष के पास आपको कोई तोड़ उसका दिखाई दे रहा है कि वो सेंधमारी इस पे कर पाए, उसके विजय रथ को रोक पाए या मिशन 80 को रोक पाए? आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी सभी 80-80 सीटें तो तब नहीं पाएगी, कुछ सीटें समाजवादी पार्टी जरूर ले जाएगी, कांग्रेस ले जाएगी, जिससे बना हुआ है। दूसरा मैं देखा चर्चा में चल रहा था महिला आरक्षण बिल का, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ दूसरे दल के नेताओं से, समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, आपको किसने रोका हुआ है कि आप अपनी पार्टी के अंदर आप अपने प्रत्याशियों में 33% रिजर्वेशन क्यों लागू कर देते हैं? क्या जब सरकार का चालू चलेगा 2029 चले, 2029 चले, उसके बाद ही महिलाओं 33% टिकट देंगे? आप क्यों नहीं घोषणा करते कि इस लोकसभा चुनाव में हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे, सरकार रूल लाए या ना लाए? ये चीज हमारे देश में कहा जाता है कि मैं डंडे कोई काम नहीं करता, तो आप क्यों वेट कर रहे हैं कि सरकार जब कानून बनाएगी तभी 33% महिलाओं को आप रिजर्वेशन देंगे? आप क्यों नहीं घोषणा करते हैं कि मैं आज 33% महिलाओं को मैं आरक्षण दे रहा हूँ? समाजवादी पार्टी होगी, बसपा होगी, कांग्रेस होगी, जितने भी राजनीतिक दल है, मैं सबसे कह रहा हूँ आपके पास पूरा, आपके पास आप चाहे तो आपके पास पूरी पावर है, अपने पार्टी के अंदर 33% लागू कर दीजिए। क्या सरकार कानून बनाएगी, सरकार का जब चाबुक चल जाएगा उसके बाद ही रिजर्वेशन लागू करेंगे? यदि आप उसका वेट कर रहे हैं इसका मतलब है आपकी खुद की इच्छा शक्ति नहीं है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिले। सरकार कानून बताओ मजबूरी है, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो आपको मजबूर कर देगी उसके बाद ही आप लोग जो है 33% रिजर्वेशन मजबूरी में लागू करेंगे। आज जो आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं मजबूरी में बयानबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ आप बस आप किसने रोका, आप 33% रिजर्वेशन घोषणा करिए ना कि हम लागू करें 33% रिजर्वेशन, वो आज ही लागू हो जाएगा। किसने रोका है, कोई नहीं रोक रहा है, आप लागू करके दिखाइए। आप सरकार से क्यों कह रहे कि आपके कानून को फॉल रहा है, 29 का आपकी नीयत नहीं है, छोड़िए सरकार की नीयत नहीं, बात आपके मान ली सरकार की नीयत नहीं है, आप घोषणा कर दीजिए कि हम आज के आज अपनी पार्टी में संग्रह में टिकटों में हम महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं, इसके लिए सरकार के कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार को कानून बनाकर आपको मजबूर कर रही है कि आप उसको लागू करें। यदि आप लागू नहीं करते इसका मतलब यही माना जाएगा आपकी खुद का इच्छा नहीं है कि महिलाओं को जी। कपीश भाई, हाँ कपीश बोले, कपीश जी एक मिनट सिंह साहब को पहले सुन ले आप काउंटर कर लीजिएगा। ईश्वर ने मोदी को क्यों चुना, इसीलिए सिंह साहब प्लीज बोले, 3 साल तक बैन कर दिया जाए 2024। और आप एक बात बताओ, एक एक करके प्लीज, पार्टी से महिला लड़ेगी, महिला की महिला लड़ेगी, महिला का पुरुष से नहीं लड़ेगी, आप महिला को पुरुष से बनाना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ आप इसलिए छिपना चाहते हो? पूछा उसका जवाब तो सुनेंगे, आप फिर बिल क्यों लेके आए महाराज? जवाब तो सुनेंगे कि क्या जरूरत थी आपको बिल लाने की, क्या जरूरत थी खैर ख्वाह बनने की? ये लोग नहीं चाहते, अगर आपने महिलाओं के लिए बिल लाया है और उस दिन से लागू नहीं कर रहे तो ये बात नहीं कर सकते कि सारी पार्टियां दे दें। अगर हम दे देंगे तो आप गारंटी लेंगे त्रिवेदी जी कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपनी महिला कैंडिडेट खड़ा करेगी? लेकिन और ओबीसी के सामने ओबीसी खड़ा करेगी, एससी के सामने एससी खड़ा करेगी, अल्पसंख्यक के सामने अल्पसंख्यक खड़ा करेगी, सशक्तिकरण के साथ क्या पावर्ड आप कर सकते हैं इस तरीके से? देखिए चर्चा को आप लोग देखिए पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल पे ले आए हैं, जबकि हम पूरे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसको लेके जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो आपकी रणनीति है उसका तोड़ क्या है। सिंह साहब, राजेश जी मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ, इनका भी 10 सेकंड में देता हूँ। देखिए आज से तो लोकसभा का इलेक्शन नहीं हो रहा, और समाजवादी पार्टी लंदन में तो चुनाव लड़ नहीं रही थी 10 साल को सरकार में सहयोग की, केवल महिलाओं पे को अगर कुछ दिया जा रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है जो पुरुष लोकसभा में है, पुरुष जो राज्यसभा में है, क्या एससी एससी के अलावा उनका रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? आपने कभी बात उठाई क्यों? क्योंकि आपको बात उठाना नहीं, आपको कुछ कहना नहीं। पहली बात, तैयारी 2024 की हो रही थी, राजेश जी पूछा गया कि किस हैसियत से 2024 में आप जाएंगे, आपकी योजना क्या है? उन्होंने कहा हम गाड़ी लेकर जाएंगे, हम चैनल पर झूठ बोल कर जाएंगे, हम दबा कर जाएंगे, क्योंकि कोई योजना तो है नहीं। ठीक है ठीक है, अब जवाब ले लेते, टाइम कम है मेरे पास। कपीश श्रीवास्तव, प्लानिंग बताएं सर, योजना बताएं कि अगर वो एक तरफ अगर माइक्रो मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, आप लोगों की प्लानिंग क्या है? 30 सेकंड जल्दी से। अरे 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 महाराज, कोई इनका माइक्रो मैनेजमेंट तो मीडिया को दिखाने के लिए, जनता तो कार्य देखती है। आप अपनी मीटिंग में क्या बना लेंगे? आपने क्या घोसी में कम बनाया था क्या?
घोषणी को छोड़ दिया था इन्होंने 40 मंत्री लगा के, कौन नहीं आया था? अरे आज मुझे आप बताइए, और इनकी पूरी एनडीए लगी हुई थी, बड़े लोग लगे हुए थे, बोले लोग लगे हुए थे, उसके बाद भी क्या हुआ? आप तो घोषी बुरी तरीके से हार गए, और वही नहीं, आप पंचायत की 5 सीटें हार गए उपचुनाव की, पंचायत की 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने बुढ़िया मिश्रा गोल कर दिया इनका। कहाँ चले गए हिमाचल में? क्या आपने नहीं किया था? नड्डा साहब तो वही गड्ढा खोल करके चले गए, नड्डा साहब ने तो वही गड्ढा खोल दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हिमाचल हार गए, कर्नाटक हार गए, पंजाब हार गए, दिल्ली हार गए, ठीक है। चलिए अभी आपके अपने अपने दावे, मेरे पास वक्त कम है, बहुत शुक्रिया कपीश श्रीवास्तव सिंह साहब और आलोक आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि एक तरफ बीजेपी मिशन 80 का टारगेट लेके चल रही है, दूसरी तरफ विपक्ष क्या बीजेपी के इस महाअभियान, इस महाप्लानिंग की कोई काट निकाल पाएगा? आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। लेकिन बहरहाल चुनाव से पहले सबके अपने अपने दावे हैं, एक तरफ घोसी जीतने के बाद विपक्ष के जो हौसले हैं वो बुलंद है, दूसरी तरफ बीजेपी जो माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए पिछली बार जो सीटें हारी थी उनको जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। ब्रेक।